जब साईं बाबा ने अपने मानस शिष्य को आदेश दिया कि आज ये मेरे दरबार में आया है, इसे एक रुपये प्रदान कर दो। यह घटना वर्ष 2011 का है, दिन गुरुवार का है। मिस्टर झा घोंगा सिंचाई विभाग में ड्राइवर थे, बिहार के रहने वाले थे और पटायता में एक छोटी सी झोपड़ी में वह रहते थे और साईं बाबा को श्रद्धा से बहुत नमन प्यार किया करते थे। उनकी इच्छा थी मिस्टर झा की कि पटायता में 10 एकड़ की ज़मीन हो जाए। बाबा मैं ड्राइवर हूँ, जो भी सरकारी नौकरी पर मुझे पैसा मिलता है उससे परिवार का गुजारा होता है, तब भी कम पड़ जाता है। झा जी ने एक दिन गुरुवार को श्री साईं बाबा सेवा आश्रम शिरडी धाम करगी रोड में पहुँचे और बाबा के सामने बैठे। उसके बाद मिस्टर झा ने हमारी जो साधना कक्ष है उस साधना कक्ष में भी आए और बाबा की ओर बैठे ध्यान कर रहे थे और ये बताना चाहते थे बाबा को कि मुझको ज़मीन चाहिए, बाबा मैं आपके दरबार में आया हूँ, मेरी गरीबी मेरी जो आर्थिक स्थिति है सुधार हो जाए। बाबा ने हमें आदेश दिया इसे एक रुपये का सिक्का दे दो। हमने वहाँ चढ़ा हुआ 1 रुपये का सिक्का झा साहब को दे दिए। झा साहब ने उस सिक्के को श्रद्धा विश्वास के साथ अपने पर्स में रखे। कुछ दिनों के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि झा साहब 10 एकड़ के ज़मीन के मालिक बन गए। बहुत अच्छा खेती किसानी करते हैं और उसके बाद रिटायर हो गए और इस संसार से चल बसे। मेरा भाव कहने का यही है कि अगर आप साईं बाबा के पास श्रद्धा सबरी विश्वास से कोई भी चीज़ मांगोगे, कोई भी मनोकामना बाबा के समक्ष पूरा करोगे, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, भक्ति सच्ची है, तो निश्चित बाबा ने जैसे झा को 10 एकड़ ज़मीन का मालिक बना दिया, वैसी बाबा आपकी भी मनोकामना पूरी कर देगी। मैं कैलाश चंद गुप्ता, करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, श्री साईं बाबा सेवा आश्रम का संचालक, साईं बाबा का मानस शिष्य। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को ज़रूर दबाइए। ओम साईं राम।